कोई नहीं चले, अभी उतर के पुरलू नट जा, बोला कल तो बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, फिर कभी चलेंगे। ये दादा इधर हाथ ऊंचा कर रहा, अभी उतर के पुरलू नट जा, बोला पाकिस्तान की रजिस्ट्री की बात करें, घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही अपने से, वो छोटा भाई साइन ही नहीं कर रहे अपने, तो घर की माता पूरी खत्म नहीं हो रही अपने, सही कह रहे हो क्या, पाकिस्तान की रजिस्ट्री करे, जितने लोग यहाँ बैठे हर आदमी के भेजे में कुछ ना कुछ समस्या फंसी पड़ी, इधर बैठे इनके समस्या, इधर बैठे इनके समस्या, इधर बैठे हुए इनके अलग समस्या, और सबके समस्या एक जैसी है अपने तो हिंदुस्तान में, दूध पतला आ रहा, लड़का बिगड़ता जा रहा, लोग पैसे खा गए, घर फूफा जी आ गए, जग्गू की शादी में जाना, खोपरा पाक उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, गट्टू के कटिंग करानी, पिताजी के बीड़िया लानी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा, छोरा दसवीं में फेल होता जा रहा, सुबह नल भी आएंगे, कचरू के मोसर में कौन कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही ना, गर्लफ्रेंड शादी का मौका ही नहीं दे रही। रात को 3 बजे उठा के मेरी वाइफ मेरे से पूछती है कि कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब दुख मुझे इस बात का नहीं है कि रात को 3 बजे मेरी नींद खराब हुई, दुख मुझे इस बात का आज हिंदुस्तान में हर आदमी पूछ रहा है कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पर कोई एक पूछने को तैयार नहीं है कि याकूब ने 257 बेगुनाहों को बम विस्फोट में क्यों मारा है? और मैं इस राजस्थान की धरा पर खड़ा हूं, प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो, फोकट की भीड़ इस देश में मत भरो, और 10 निकम में पैदा करने से ज्यादा अच्छा है एक राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप इस धरा पर पैदा करो। जिंदाबाद। बंद मालवा मेवाड़ वाले आदमी हर प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। मैंने कहा जीवन में समस्या कहीं से भी आ सकती है। मैं इस बड़े मंच पर खड़ा हूं, मैं आदरणीय मोदी जी, राहुल जी, सोनिया जी, आडवाणी जी, गडकरी जी, जेटली जी, राजनाथ जी, मैं सबको जानता हूं, मेरी समस्या ये कि ये लोग मेरे को नहीं जानते। यहाँ तो छोटी छोटी टेक्निक, माता बहने बैठी हुई यहाँ पे इतनी देर से खिकी खिकी कर रही, इनको कोई कम टेक्निक आती है क्या? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास टेक्निक है तो माता बहनों के पास सबसे ज्यादा, मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही मैं बिल्कुल भावुक होकर बोलती है, भाई साहब थोड़ा उधर खिसक जाओ ना, मेरा जी घबरा रहा है ना। अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। क्या बात है, मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जा, और कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब गुरुवार मेरा ऐसा दावा है कि अगर कोई मर जाए ने वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो तो मेरा दावा है कि 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो करके काम निकाल लेती है। आप सोच रहे कि मैं भूल गया ने, मैं सोच रहा एक बार जरा ढंग से ताली बजाओ पीछे तक तो मैं शुरू हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं, आदरणीय दिनेश गिरी जी महाराज साहब को प्रणाम करते हुए माइक वाले से निवेदन करता हूं, थोड़ी सी आवाज और सेट कर देना, मेरी बिगड़ी हुई है। क्या बात, नहीं इसमें हंसने वाली बात नहीं है, देश का धन निपट गया एक ही नाइट में, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ी, सर्जिकल स्ट्राइक में कई कवियों की फाइल निपटी बिगड़े हुए माइक में। क्या बात है, प्रणाम करता हूं आप सबको कि आप अपने निजी जीवन की समस्याओं को छोड़कर आज के इस कवि सम्मेलन के यज्ञ में अपने हास्य की आहुति देने के लिए यहां आए हैं। इंसान वही करता है जो उसके मन में आता है, इंसान वही करता है जो उसके मन में आता है, जीवन में लाख समस्याएं फंसी हो लेकिन कवि सम्मेलन सुनने तो हर इंसान चला आता है। क्या बात है, वाह वाह मुन्ना, आप सब लोगों को चार्ज करने के लिए मेरे को अब दूसरे नंबर पे उतारा, घर होता तो खुद ही हो जाते। क्या बात है, लेकिन यह सार्वजनिक तौर पे जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको चार्ज कर दूं, लेकिन नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बात है, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूँ, मंदसौर का नाम मंदोत्री के नाम से पड़ा है, मंदोत्री रावण की बीवी थी और रावण मेरे फोफा जी लगते हैं। वाह 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 वाह, जिनको मारने के लिए भगवान श्री राम को धरती पर जन्म लेना पड़ा, तो आप किस खेत की मूली हो। क्या बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बुद्धगिरी की धरा पर पहली बार आया हूँ, आदरणीय संतगण यहाँ विराजमान है, पवित्र मंच में कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूँ। स्वागत, स्वागत, मंच स्वागत है। गाय माता का मंच में चाहता हूँ कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूँ। एक तो क्या मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहीं से भी शुरू हो सकता हूँ, पेमेंट में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा क्योंकि है भी नहीं। वाह भाई मुन्ना, वाह आदरणीय, मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये कवि सम्मेलन तो 4 महीने पहले ही बुक हो गया था। आदरणीय कमल जी का फोन आया मेरे पास अभी 2-4 दिन पहले, बोले तेरा जो पेमेंट तय किया था उसको डबल कर दिया है। मन के ये तो फोकट की बात है, जो तय किया उससे देना आधे पर देना 100-100 के।
मालूम पड़ा कि वही वाला नोट पकड़ा दिया तो हम कहां लेके घूमते फिरेंगे इसको। सही कह रहा हूं, जब से नोटबंदी हुई क्या समस्या हो गई जीवन में। वो मैं अभी बंबई गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, तो अमिताभ बच्चन जी मिल गए मेरे को और वही फोकट की बात कर रहे, बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, क्या है तेरे पास। मैंने कहा आपके एटीएम से पैसे कितने निकल रहे हैं? बोले 4,500। मैंने कहा मेरे भी इतने ही निकल रहे हैं। फिर किस बात की माता पोटी कर रहे हो? जियो राजा जियो। नहीं, मतलब क्या है माथा फोड़ी करने से यार। और हकीकत कह रहा हूँ, आदरणीय गुरुवार बैठे बताना चाहता हूँ, जब एटीएम से 2,000 रुपए निकल रहे थे, उन 2,000 रुपए का भी विरोध उन लोगों ने किया जिनके खुद के खाते में 250 रुपए रखे हुए। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि 250 रुपए भी गवर्नमेंट ने पहुंचाया था गैस की टंकी की सब्सिडी के। सही, लेकिन मैं हकीकत कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं मस्ती वाला ही आदमी हूँ और मस्ती की ही बात करूंगा, लेकिन मैं बीच बीच में कुछ करंट वाली पंक्तियां पढ़ता रहूंगा, क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि है राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं मस्ती वाली बात भी करूंगा और करंट वाली बात भी करूंगा, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ, इस बड़े मंच पर आज आया हूँ, मैं एक हकीकत मस्त बात बता देता हूँ। मैं सबसे पहले बता दूं, मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, इससे ज्यादा माथा फोड़ी मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। देश के बड़े कवि आज इस मंच पर बैठे, आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब बैठे, आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी यहाँ बैठे, मैं प्रणाम करता हूँ इनकी उपस्थिति को। इस मंच को आज आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब तक पहुँचना है, ये हमारे मंच के दादा है, इस मंच को आज दादा तक पहुँचना है। हालांकि दादा जानते हैं कि सब फोकट की बात कर रहे हैं, ये सब जानते हैं, बोले मालूम है इनको कि लड़के आते हैं नए नए और यही बात कहते हैं, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और खुद 1 घंटे की माथापोड़ी करके निकल लेता है। फिर दूसरे नंबर पे दूसरा आदमी आता है, वो भी यही कहता है आज हमें दादा तक पहुंचना है, और वो भी उसका 1 घंटा माथापोड़ी करके निकल लेता है। और आखिरी में जब रात को 3 बजे दादा का नंबर आता है तब तक पब्लिक घर चली जाती है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। वाह, सही कह रहा, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया, मैं शुरू होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं केवल 5 मिनट पढ़ूँ, बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है। एक तो क्या हिंदुस्तान में जिसको जो मर्जी पड़े वो बोल रहा है, जिसको जो मर्जी पड़े वो काम कर रहा है, ना ठोर पड़ रहे ठिकाने, कोई काम पड़ रहे ढंग से काम कर रहे, ना कोई ढंग से बोल रहा है हिंदुस्तान में। अब वो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी खाट लेके घूमते फिर रहे, जबकि टाइम उनका डबल बेड के पलंग का चल रहा है। वाह भाई मुन्ना, अरे ढंग के टाइम पर ढंग का काम करो ना यार, क्या मतलब आ रहा फोकट के काम करते फिर रहा आप। हकीकत जिसको जो मर्जी पड़े वो बोल रहा, वो दिल्ली में बैठा हुआ फर्जीवाल, बात अगर पहुंच जाए तो एक बार तालियों से सूचित करते रहना मेरे को। नहीं, पीड़ा बहुत है मुन्ना। राहुल गांधी जिनका बाप पायलट था, हवाई जहाज चलाता था, अब वो यूपी में साइकिल का धक्का दे रहा है। वो ऐसा ही होता है, तो ढंग के टाइम पे ढंग का काम नहीं कर रहा। वो दिल्ली में बैठा हुआ एक फर्जीवाल, उसको सेना से सबूत चाहिए। अब सबूत चाहिए तो बॉर्डर पे जाके लो हमारा क्यों जीव खा रहे। सही कह रहा हूँ, राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। एक बार जरा शुरू कर देना मेरे को कि राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है, तेरा तो नेता बनना ही इस देश का सबसे बड़ा झूठ है। और सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले, सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले, तू तेरे बाप की औलाद है, बता इस बात का क्या सबूत है। वाह वाह, मेरे देश की सेना से सबूत मांग रहा है। हिंदुस्तान में जिसको जो मर्जी पड़ा बोल रहा है, जिसको जो मर्जी पड़ा बोल रहा है। कभी कभी हिंदुस्तान में संतों के ऊपर टिप्पणियां कर देते थे, बड़े मंच पर खड़ा हूं, अगर 4 पंक्तियां आपके दिल को छू जाए तो दोनों हाथ ऊपर करके एक बार मुझे शुरुआत दे देना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है, ये संतों पर टिप्पणियां कर देते हैं, मूर्खों को मालूम ही नहीं है कि क्या है संत, कि जिनके चरणों का यह धरती भी अभिनंदन करती है। आपको समर्पित करता हूं कि जिनके चरणों का यह धरती भी अभिनंदन करती है, जिनके उपदेशों का पूरी दुनिया वंदन करती है, जिनकी अमृतवाणी सुन काया निर्मल हो जाती है, जिनकी एक झलक पाकर पीड़ा ओझल हो जाती है। वाह वाह, जिनको जो मर्जी पड़ो बोल रहा है हिंदुस्तान में, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है, उन मूर्खों को मालूम ही नहीं है कि हिंदुस्तान तो धरा है कि किसी पड़ोसी देश के यहां भी अगर कोई दर्द उठता है तो सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान उसका दर्द बांटने के लिए जाता है।
वो पाकिस्तान में जब 125 बच्चों को आतंकवादियों ने मार दिया था, तब चार पंक्तियां मैंने कही थी कि कलयुग की इस दुनिया ने ये कैसा दृश्य दिखाया, क्या है मेरा हिंदुस्तान, कि कलयुग की इस दुनिया ने ये कैसा दृश्य दिखाया, जिहाद की जिद में दुष्टों ने बच्चों का खून बहाया, अरे एक खरोच से व्याकुल होकर आंसू जिनके गिर जाते थे, खून से लथपथ सौ बेटे का बाप ने कैसे उठाया, और तुझको हम कैसे समझाएं दहशत के इस रास्ते पर इंसान इंसान को खोता है, अरे बच्चा चाहे हिंदू का मरे मुसलमान का, दर्द तो हर बार इस सीने को ही होता है। वाह वाह मुन्ना, वाह वाह। पर गुरुवर अपना सबसे बड़ा दर्द यह है कि दर्द अपने को ही होता, पाकिस्तान को होता ही नहीं है। नहीं, बात तो मैं यह बता रहा था आपको, हम हमेशा ही मोमबत्ती लेके खड़े रहते हैं, वाके ने फूंक मार के चला जाए। नहीं, यही हो रहा है हिंदुस्तान में, और क्या हो रहा है, हम जब भी हमारी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं वो आके हमारे यहाँ हमला करके चला जाए। तब चार पंक्तियां करंट वाली आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ ज़्यादा है या आपके तालियों की गड़गड़ाहट ज़्यादा। वो हाफिज सईद ने कहा कि हम जब चाहें कश्मीर को खाली करा सकते हैं, तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि तेरी, देखना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ ज़्यादा है या आपके तालियों की गड़गड़ाहट ज़्यादा। हाफिज सईद ने कहा कि हम जब चाहें कश्मीर को खाली करा सकते हैं, कि तेरी तेरी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब अब देंगे, बरसों से धधकती ज्वाला को शोलों में बदल अब देंगे, अरे तड़प रही है बंदूकें दुश्मन का लहू बहाने को, आया है मौका बरसों में गीदड़ को सबक सिखाने को, अरे सौगंध है हमें श्री राम की, जंगे मैदान में काम ही तमाम कर देंगे, और तू क्या कश्मीर छुड़ाएगा बुजदिल, हम पाक की रजिस्ट्री ही तिरंगे के नाम कर देंगे। वाह कौन कौन चल रहा है, कौन कौन चल रहा है, कोई नहीं चल रहा, अभी उतर के पुल्लू नट जा, बोला कल तो बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, फिर कभी चलेंगे। ये दादा इधर हाथ ऊंचा कर रहा, अभी उतर के पुल्लू नट जा, बोला पाकिस्तान की रजिस्ट्री की बात करना, घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही अपने से, वो छोटा भाई साइन ही नहीं कर रहे अपने, तो घर की माता फूड़िया खत्म नहीं हो रही अपने, सही कह रहा हूँ क्या, पाकिस्तान की रजिस्ट्री करे, जितने लोग यहाँ बैठे हर आदमी के भेजे में कुछ ना कुछ समस्या फंसी पड़ी, इधर बैठे इनके समस्या, इधर बैठे इनके समस्या, इधर बैठे हुए इनके अलग समस्या, और सबके समस्या एक जैसी है, अपने तो हिंदुस्तान में दूध पतला आ रहा, लड़का बिगड़ता जा रहा, लोग पैसे खा गए, घर फूफा जी आ गए, जग्गू की शादी में जाना, खोपरा पाक उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, गट्टू के कटिंग करानी, पिताजी के बीड़िया लानी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा, छोरा दसवीं में फेल होता जा रहा, सुबह नल भी आएंगे, कचरू के मोसर में कौन कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही, ना गर्लफ्रेंड शादी का मौका ही नहीं दे रही। अरे अपने घर की माथा फोड़िया खत्म नहीं हो रही है, और बात अगर पहुंच जाए तो इस बार जब के ठहाका लगा लेना कि घर की माथा फोड़िया खत्म नहीं हो रही है। दिल्ली में अगर, सही कह रहा हूँ, अगर बेटा नालायक हो तो दिल्ली में माँ परेशान होती है, बेटा अगर ज्यादा समझदार हो तो यूपी में बाप परेशान होता है। अरे घर की माथा फोड़िया खत्म नहीं हो रही अपनी, सही कह रहा हूँ, षड्यंत्रों की चौसर पे जब खून का रिश्ता हार गया, बात अगर पहुंच जाए तो फिर सूचित करना कि षड्यंत्रों की चौसर पे जब खून का रिश्ता हार गया, एक शकुनी महाभारत का फिर से बाजी मार गया, राजनीति के दंगल में या नहीं किसी की यारी है, इतिहास उठाकर पढ़ लेना, सत्ता अपनों पर भारी है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतिहास उठाकर पढ़ लेना, सत्ता अपनों पर भारी है, एक बूढ़े बरगद की छाव में बबूल ये कैसा जाग गया, बाप ने दिया था हेलीकॉप्टर, बेटा साइकिल लेकर भाग गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। घर की माता फोड़िया खत्म नहीं हो रही, फिर कह रहा पाकिस्तान की रजिस्ट्री करो, दादा निपटा रहे तो पाकिस्तान को, अपनी घर की माता फोड़िया खत्म नहीं हो रही अपने, तो सर सही कह रहा हूँ क्या, पाकिस्तान पाकिस्तान, कोई कश्मीर का कुछ नहीं बिगड़ रहा, कश्मीर नहीं देंगे, कश्मीर कश्मीर जहाँ का जाइए, नवजोत सिंह सिद्धू हाथ से निकल गया। क्या बात है, क्या बात है मुन्ना, क्या करो, उसको पकड़ो, ये निकले उसको पकड़ो, ये अच्छा, मैं तो क्या है लाफ्टर चैलेंज वगैरह पे आता जाता रहता हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू से मेरे तो पर्सनल रिलेशन है, तो मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा सिद्धू जी आपने ये क्या किया, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी आपने, बोले तेरी भाभी नहीं मानी। हाय हाय हाय, मैंने कहा इसमें भाभी का क्या रोल है, बोले मैंने बोलने के मामले में ज्यादा लिमिट कर दी थी तो उसने बीजेपी पे उठा के कांग्रेस में डाल दी, क्योंकि ये तो बात पूरी देश जानता है कि कांग्रेस के अंदर सरदार को इतने बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। क्या बात है, जिंदाबाद मुन्ना, क्या टिप्पणी है, वाह। अपनी घर की माता फोड़िया खत्म नहीं हो रही, सही कह रहा हूँ मैं तो, हकीकत कह रहा हूँ, घर की माता फोड़िया खत्म नहीं हो रही है। मैं अभी परसों पहले दिन भी एक मेले में गया था, कवि सम्मेलन में, वहाँ मेला चल रहा, मैंने मेले में वजन मशीन पे वजन तुलवाया, वो मशीन बोली कि आप 58 किलो हैं, 58 किलो हैं, 58 किलो, कल तक आपको एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो मैंने बीवी को फोन लगा दिया, मैंने कहा कल तक अपने को एक शुभ समाचार मिलने वाला है, तो बीवी बोली कल का क्यों इंतजार कर रहा है, अभी सुन लो गैस की टंकी खत्म हो गई। वाह
घर पे गैस की टंकी खत्म हो जाए तो समस्या, सरकार गैस के भाव बढ़ा दे तो समस्या, शरीर में गैस बढ़ जाए तो समस्या, अपने घर की माता फुड़िया खत्म नहीं हो रही। सही कह रहा हूँ कमल मनोहर जी, मेरे को हमेशा कहते हैं तू बहुत अच्छा काव्य पाठ करने लग गया, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को विदेश जाना पड़ेगा, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को विदेश जा। अब इनको कौन समझाए, मेरे आधार कार्ड में ही फोड़े पड़ रहे अभी। क्या बात है, वो फोटो खींच के गए, आज तक नहीं आया मेरा फोटो देने के लिए। हालांकि इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी बैंकॉक, दुबई, रसिया, पटाया, कई जगह कवि सम्मेलन कर चुका हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं, अमेरिका और पूरा यूरोप निपटा मारता, सुबह नींद खुल गई मेरी। समस्या है ना, कहीं से भी आ जाए, कई समस्या है जीवन में, मैं तो हकीकत कह रहा हूँ, लेकिन इस बड़े मंच पे खड़ा हूँ, सही कह रहा हूँ, जीवन की कई समस्या, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ शायद इसीलिए पूरे देश में घूम के देश की वंदना करता हूँ, वरना ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस देश में JNU में देश विरोधी नारे लगाने लग जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद बेटा, क्या बात है भाई। और उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग उनके साथ जाकर हाथ मिलाने लग जाते हैं। गुरुवर बैठे मैं प्रणाम करता हूँ, बताना चाहता हूँ मेरे, आ जाओ, क्या बात, वाह वाह, जिंदाबाद मुन्ना। मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए कि बेटा अगर दूध की दुकान पर खड़े रहोगे तो लोग तुम्हें दूध पीने वाला समझेंगे, और किसी दारू की दुकान पर खड़े रहोगे तो लोग तुम्हें दारू पीने वाला समझेंगे। एक दो कोड़ी के कन्हैया ने कह दिया कि इस देश के टुकड़े होंगे हजार बार, और एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता राहुल जी उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। मुझे आप बताओ कि मैं राहुल जी को क्या समझूं। क्या बात करिए, जिंदाबाद मुन्ना। कि हरकत को देख तुम्हारी आज तिरंगा रोया है, तुलसी के क्यारे में तुमने बीज बबूल का बोया है, याद करो इंदिरा ने कैसे पाक को धूल चटाई थी, याद करो उस मर्दानी ने देश की लाज बचाई थी, यकीन नहीं तुम सत्ता वियोग में इतना तक गिर जाओगे, उसने देश को गाली दी तुम जाकर गले लगाओगे, यकीन नहीं तुम देश के भीतर देश का मजाक उड़ाओगे, कुर्सी के चक्कर में आकर देशद्रोही बन जाओगे। जिंदाबाद। ये देश की जनता जाग रही, तुम किसको अब समझाओगे, जो खानदान के नहीं हुए वो देश के क्या हो पाओगे। क्या बात है, जिंदाबाद भाई। और क्या करे, अपने तो घर की माता फोड़िया खत्म नहीं हो रही, फिर कह रहे पाकिस्तान की रजिस्ट्री कर दो, अब इनको संभाले क्या, पाकिस्तान को संभाले, सही कह रहा हूँ। मैं तो हकीकत कह रहा हूँ, मैं इस बड़े मंच पे खड़ा हूँ, आदरणीय कमल मनोहर साहब यहाँ बैठे, मैं प्रणाम करता हूँ इनकी उपस्थिति को। अगर जीवन में ज्यादा समस्या आ जाए, बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए, इस मंच से सुबह शाम आपको बताते होंगे कि भगवान को याद करो, मैं कह रहा बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। अगर आपके जीवन में ज्यादा समस्या है, बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए, गलत आदत पड़ी हुई सुबह से लेकर शाम तक, हे भगवान मेरे वो नहीं हो रहा, हे भगवान मेरे ये नहीं हो रहा, बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। किसी टाइम पे भगवान ने याद कर लिया तो सहज आश्रय मौलिक, बिल्कुल। आप बार बार किसी को याद करोगे, एक बार तो वो भी याद करेगा कि नहीं करेगा आपको। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, नई बात सुना दादा, ये बात मैंने आपको क्यों बताई, बात अगर पहुंच जाए तो आप सूचित करना, ये बात मैंने क्यों बताई। 2.5 साल से चिल्ला रहे थे विपक्ष वाले, मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे, मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे, मोदी जी घूमते फिर रहे विदेशों में, मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे, लो कर दिया काम, लो आ गए विदेश से, और बुलाओ उनको, इससे तो बाहर घूम रहे थे वही ज्यादा ठीक था। सही कह रहा हूं, मतलब अपने जीवन की समस्या, गुरुवार प्रणाम बताता हूं इनको, आ जाओ, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय गुरुवार के लिए बजा दियो। मैंने कहा जीवन में समस्या है, कई सभी आ सकते, हकीकत कह रहा हूं, मैं तो हकीकत कह रहा हूं, बिठा लो इनको, भाई साहब आप भी बैठ जाओ, भाऊ हुक्मा तो आ जाओ बैठ जाओ, बढ़िया होता है ऐसा, कोई बात नहीं, व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती है। मैं तो कहा जीवन में समस्या कहीं भी आती पर निपट जाती है सारी समस्या, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार मन बता दो वापस ताली बजा के मेरा। मैंने कहा जीवन में समस्या कहीं, और मैं तो हकीकत कह रहा हूँ, ये नोटबंदी की आप बात बताता है, मेरे तो अभी पैर में लग गई थी, मैं डॉक्टर साहब के घर गया, वो डॉक्टर साहब मेरे इंजेक्शन लगाने वाले थे, और जैसे ही वो एक आदमी ने उनके आके कान में कुछ कहा तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन मेरे हाथ में पकड़ा के निकल लिए, दो नर्सें बैठी हुई थी वहां पे मेरे को देख रही थी, उनके कान में का वो निकल ली, चार मरीज बैठे हुए थे उनके कान में कुछ का वो निकल लिए, तो मैंने उस आदमी को पकड़ा, मैंने कहा हुआ क्या, बोले कुछ नहीं पड़ोस के ATM में पैसे आ गए। वाह वाह, मतलब कोई लाइन में ही खड़ा नहीं रहना चाहता, और मैं तो हकीकत कहता हूँ, बात बताने की नहीं, लेकिन मेरे मंसूर में वो ATM के वहां से दो कतारों में से एक लड़का एक लड़की को लेके भाग गया, मतलब कैश मिलने से पहले उनके नेन मिल गए, तो लेके ही निकल लिया। तो मैंने कहा यार एक काम करो, इन लड़के लड़की का नाम क्या था, जरा नाम तो देखो इनका, तो मैं लोकल चैनल पे टीवी के लोकल चैनल पे उनका नाम देख रहा था, तो नाम देख रहा था लोकल चैनल पे, लड़के का नाम लड़की का नाम क्या था, तो चैनल में लगा रहा था जैसे, तो उससे पहले आज तक चैनल चल गया, और वो आज तक पे मोदी जी का भाषण आ रहा, और मोदी जी बड़े शान से कह रहे,
बहनों और भाइयों, कतार में खड़े रहकर आपने जो संघर्ष किया है उसका परिणाम कुछ ही दिनों बाद मिलेगा। वाह। अब मैंने कहा कि जो लड़का लड़की लेके भागा उसका परिणाम तो साल भर से पहले नहीं आ सकता। बिल्कुल मौलिक टिप्पणी, सरल टिप्पणी, तो बहुत बढ़िया करता हूँ। बड़े कवि छोटी कर देते हैं उसको जबरदस्ती। क्या बात है, जिंदाबाद मुन्ना। मुन्ना क्या करारी बात कही है, बहुत सुंदर। मेरा वो समस्या है जीवन की, मेरी खुद की समस्या है, खत्म ही नहीं होती। हकीकत कह रहा हूँ, मैं नहीं लाऊं ना पुरानी हो जाती, घूम फिर के मेरे पास ही आ जाए। समस्या है ना कैसे, लेकिन इस बड़े मंच पे खड़ा हूँ।